नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के धनोटू में पुलिस थाने का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पुलिस थाना सुंदरनगर, गोहर, नेरचौक, जंजहली और मनाली के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यातायात प्रबंधन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि ये पुलिस थाना क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां शिवरात्रि का पावन अवसर आज है और इस पावन अवसर पर एक और बेहतरीन शुरुआत आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पुलिस थाना समर्पित हुआ था उसकी आज शुरुआत हो रही है। आज उसका शुभारंभ है और इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हिमाचल प्रदेश में अब इस वक्त 135 हमारे पुलिस थाने और 135 पुलिस थानों में से 15 पुलिस थाने के भवन के कार्य जो है वो हमारे लगभग कंप्लीशन स्टेज पर हैं, जहां काम चला हुआ है। पुलिस थाना सरकार की प्राथमिकता बहुत ज्यादा हुआ नहीं करती थी पहले। थाना खोलना है तो एक बात होती है, लेकिन थाना की अपनी बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बना करके वहां पर अपनी एक व्यवस्था हो तो वो एक बहुत ज्यादा आज की तारीख में एक आवश्यकता रहती है। उसके लिए हम 15 जो नए भवन बन करके तैयार हो रहे हैं, लगभग 25 से 30 करोड़ की लागत से, बहुत जल्दी उनको भी हम समर्पित हिमाचल प्रदेश में जनता को करेंगे, पुलिस विभाग को करेंगे, ताकि बेहतर ढंग से काम हो सके। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है और इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी बहुत बड़ा एक योगदान है। सहजता, सरलता, शालीनता, ये सारी चीजें हैं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों के स्वभाव में बसी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ में आज की परिस्थितियों में जहां हम आगे प्रगति करते हुए बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसके कारण कानून व्यवस्था को कुछ जगह संभालने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है और उस काम को हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग जो है बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश भले छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ की पुलिस फोर्स डिसिप्लिन पुलिस फोर्स है और जो काम पुलिस को दिया जाता है, पुलिस विभाग को करने के लिए, जिस बात के लिए, जहां जिस चीज की जरूरत रहती है, उस काम को बखूबी करते हैं। पुलिस वालों के बारे में जब पुलिस का जिक्र होता है तो धारणा मन में एक ही होती है कि पुलिस का मतलब कि ये कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए है, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से जिस प्रकार से वहां पर परफॉर्म किया है कलर टीवी के उस प्रोग्राम में, वो कार्यक्रम खासतौर से हुनरबाज, तो उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उसमें पूरे देश भर में हिमाचल पुलिस की एक अलग छवि, अलग एक पहचान भी बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाचन क्षेत्र के समग्र और संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। धनोटू में खंड विकास कार्यालय खोला गया है और विकास खंड के अंतर्गत आने वाली 32 पंचायतें इससे लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए गोहर और धनोटू में 2 खंड विकास कार्यालय कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनोटू में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी बन रहा है और क्षेत्र में सड़कों के बेहतर और उचित निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए धनोटू में लोक निर्माण उपमंडल खोला गया है। उन्होंने कहा कि धनोटू रोहंगलू सड़क के उन्नयन कार्य पर 18,66,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक भी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित है, जो एक समर्पित निर्वाचित प्रतिनिधि की निशानी है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गोहर में 45,57,00,000 रुपए से अटल आदर्श विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और चैलचौक और आसपास के गांवों के लिए 30,74,00,000 रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 8,53,00,000 रुपए की राशि व्यय कर चैल मावी सेरी सड़क के उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास
विकास हुआ है और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नाबार्ड के तहत चंबी से भूर तक मल निकासी योजना के कार्य को शीघ्र ही शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने नए खुले पुलिस स्टेशन के लिए शीघ्र ही एक वाहन उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की। राज्य सरकार की सर्वस्पर्शी योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को सदैव ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक बीघा भूमि पर आवश्यक सुविधाओं से युक्त पार्क और बगीचे विकसित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन तथा 14वें वित्त आयोग के अभिसरण के अंतर्गत इन पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक पार्क के निर्माण की अनुमानित लागत 8,75,000 रुपए रखी गई है, परंतु क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए निर्माण लागत में वृद्धि की जा सकती है। इन पार्कों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से औषधीय पौधे लगाने के साथ बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए मनोरंजक उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पार्क में जॉगिंग ट्रैक, योग और ध्यान के लिए विशेष स्थान, महिलाओं व पुरुषों के लिए शौचालय की सुविधा तथा सोलर लाइटें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पार्कों में निर्माण कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तकनीकी विंग की सेवाएं ली जा रही है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही इन पार्कों का रखरखाव किया जा रहा है। प्रदेश में वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश के 288 स्थानों पर भूमि का चयन कर पंचवटी पार्कों के निर्माण कार्यों के लिए लगभग 965 लाख रुपए प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 में 217 स्थानों पर भूमि का चयन किया गया और पार्कों के कार्य के लिए 157 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। ऊना जिले में 97 स्थानों, शिमला जिले में 23, मंडी जिले में 12, कुल्लू जिले में 8, लाहौल स्पीति में 3, सिरमौर जिले में 4, सोलन जिले में 7, कांगड़ा जिले में 37, किन्नौर जिले में 6, हमीरपुर जिले में 12 तथा बिलासपुर और चंबा जिले में 4-4 स्थान पार्क बनाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 268 स्थानों पर पंचवटी पार्कों का कार्य प्रगति पर है। पंचवटी जो पार्क है, ये सरकार की अच्छी नीति और अच्छी सोच से बनी हुई है और इसमें जो है वरिष्ठ नागरिक भी सवेरे शाम बैठते हैं और सभी लोग जो बैठते हैं, और इसके लिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का आभार प्रकट करते हैं। पहले तला ही होता था किला, अभी इधर पार्क भी बन गया, बहुत अच्छा है। बहुत लोग घूमने को आते हैं इधर, गाँव वाले और विश्व वाले भी आते हैं घूमने को इधर। यहाँ बहुत अच्छा हो गया, बन गया है। अभी मैं भी डेली आता हूँ 2-2.5 महीने से घूमने को। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसा बहुत अच्छा बनाया है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता हूँ, झूले लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ कितने सड़क बनी हुई है तालाब के पास, यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं। सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो जहाँ के पार्क और जो पंचवटी जो भी बनाया है, जहाँ बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए और बच्चों के लिए झूले और अब लेडीज़ के लिए जिम वगैरह बनाया गया है। CMO ठाकुर जयराम जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने जहाँ इतनी सुविधा हमारे लिए की है। जिला सिरमौर के विकास खंड नाहन की ग्राम पंचायत महीपुर में बना पंचवटी पार्क बेचड़ का बाग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ये पार्क 120 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें वृद्धजनों के बैठने के उपयुक्त स्थान के साथ लॉन, जॉगिंग ट्रैक और बच्चों के लिए अलग से खेलने का स्थान उपलब्ध करवाया गया है। इस पार्क की बाड़बंदी भी की गई है। ये जो पंचवाटिका बनी है, हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है और मैं इसका स्वागत करता हूँ कि सरकार ने यह बेहतरीन निर्णय लिया और गांव में ये एक बहुत अच्छा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, चलने के लिए, गार्डन बैठने के लिए एकांत, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वरिष्ठजनों को केंद्र में रखकर बनाई गई पंचवटी योजना ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार करती है। राज्य सरकार का ध्यान सदैव ही ग्रामोन्मुखी नीतियों पर केंद्रित रहा है जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित हो रहा है। इन पार्कों के माध्यम से वृद्धजनों की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और वे अपना समय बेहतर ढंग से व्यतीत कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 506 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 215 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 283 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 44,74,097 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 41,90,482 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 283,328 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 278,434 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 772 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।